नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक कंप्यूटर में। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, जिससे हम किसी भी मेमोरी, किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी लैपटॉप, किसी भी हार्ड ड्राइव का डाटा रिकवरी कुछ टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास होते हैं, कई बार हमारी मेमोरी फॉर्मेट हो जाती है या गलती से कुछ फाइल्स फोटोज डिलीट हो जाती है जो हमारी बहुत पुरानी होती है। कुछ खास फीचर्स होती है जिसको हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, उसको किसी भी कीमत पर रिकवर करना चाहते हैं, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। दोस्तों, ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें मार्केट जाना पड़ता है और मार्केट में मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है उस डाटा को रिकवर करने के लिए। तो हम दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए जिससे हम घर बैठे बिना किसी को पैसे दिए डाटा रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो डाटा 10 साल पुराना हो चाहे 20 साल पुराना हो। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, डाटा रिकवरी या कार्ड रिकवरी। मेरे पास अभी कार्ड रिकवरी है जिससे हम किसी भी मेमोरी पेन ड्राइव का डाटा रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, हम पेन ड्राइव से डाटा रिकवर करते हैं। हमारे सिस्टम में पेन ड्राइव लगी है 8 GB की। इसमें कुछ मेरी फोटोज़ है, इस सबको हम डिलीट करके या फॉर्मेट करके इससे डाटा रिकवर करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूँ, स्टार्ट एंड ओके। ये मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई, ओके। अब मैं क्या इस पेन ड्राइव में से जो भी फोटो है वो रिकवर करूँगा। दोस्तों, इस पेन ड्राइव में अभी कुछ नहीं है। कार्ड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्ले करता हूँ मैं, इस सॉफ्टवेयर से मैं डाटा रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करना, आपको यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट करना है, आपको किस ड्राइव से आप डाटा रिकॉर्ड चाहते हो। जैसे अभी मेरी पेन ड्राइव ऐप ड्राइव शो कर रही है, जिस ड्राइव से आप डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हो वो ड्राइव का आपको पाथ देना पड़ेगा। मैंने ऐप पाथ दे दिया। फिर आपका सिस्टम पूछ रहा है कि आप क्या डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे फोटोज, मूवीज या साउंड क्लिप्स। अभी मेरे को क्या करना है, फोटोज रिकॉर्ड करनी है, और कौन सी जगह आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये सी प्रोग्राम फाइल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैं एक फोल्डर में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इसको, तो एक फोल्डर में बना देता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ न्यू फोल्डर 3 में रिकॉर्ड हो। ब्राउज ऑप्शन में न्यू फोल्डर का पाथ दे देता हूँ 3 का, एंड ओके और देन नेक्स्ट, फिर ओके करना है। इस तरह से हमारा डाटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाए। जैसे दोस्तों 63 फाइल ये रिकॉर्ड कर चुका है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपके 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी भी फोटो रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जैसे आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, आप उसको 10 साल से यूज़ कर रहे हो, तो फर्स्ट दिन आपने पिक्स उसमें मेमोरी में ली थी वो भी आ जाएगी, एंड तक फोटो उसमें आ सकती है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी डाटा आपका रिकॉर्ड हो सकता है। देखो धीरे धीरे दोस्तों ये रिकॉर्ड हो रहा है, 2013 की फाइल भी इसमें रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप टोटल फाइल्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें 6 मिनट का प्रोसेस बता रहा है कंप्लीट होने में। मैं ख्याल से मेरी मेमोरी में अभी फिलहाल इतनी फाइल्स थी, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके स्टॉप करता हूँ। और आप चाहते हो भाई मेरी टोटल फाइल निकल जाए तो आप इस विजार्ड को चलने दीजिए, और आप चाहते हो कि मेरी तो लगभग इतनी फाइल थी तो आप स्टॉप करके इसको इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। जहाँ तक इसने रिकॉर्ड किया वो फाइल आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। स्टॉप करता हूँ, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपकी फाइल रिकॉर्ड हो जाएगी, ये न्यू फोल्डर 3 में आपका डाटा शो हो जाएगा। मैं न्यू फोल्डर 3 ओपन करता हूँ, इसमें आपकी फाइल्स, ये देखो हाँ फाइल्स आ गई है मेरी। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों हम आप इसको फोटोज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके, कि मैं कुछ सॉन्ग्स डाल देता हूँ और उन सॉन्ग्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें। जैसे ऐप ड्राइव है, ऐप ड्राइव में अभी कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ सॉन्ग्स डाल देता हूँ और उन सॉन्ग्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मेरे पास सॉन्ग्स पड़े, ये सॉन्ग्स है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 3 सॉन्ग्स डाल लेता हूँ, सेंड टू पेन ड्राइव। ये मेरा डाटा सेंड हो गया पेन ड्राइव में, 3 फाइल्स है, सॉन्ग्स है। मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, स्टार्ट ओके। फिर से मैं डाटा रिकॉर्ड करता हूँ कि ये सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं।
फॉर्मेट होगी दोस्तों, आप कितनी बारी फॉर्मेट कर लो आपका डाटा आएगा, चाहे 1000 बार फॉर्मेट कर दो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ रिकवरी का, यस नेक्स्ट करना, यहाँ पर वो ड्राइव सिलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या रिकॉर्ड करना है, साउंड करना है क्लिक, तो साउंड पर चेक लगा दीजिए। आप चाहते हो कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए जैसे फोटोज़ वगैरह, तो सब पर चेक लगा दीजिए, लेकिन मैं टाइम वेस्ट ना करके ओनली सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूँ। सॉन्ग्स पे क्लिक कर दिया, कौन से फोल्डर में चाहते हैं, जैसे मैं एक फोल्डर वो बना लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 4 फोल्डर में रिकॉर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर पा दे देता हूँ फोल्डर का, 4 फोल्डर, ओके देन नेक्स्ट, ओके एंड ये आपका थोड़े टाइम में देखो MP3 फाइल्स दोस्तों आने लग गई है, 2 फाइल्स आ गई मेरी, 3 फाइल आ गई। इस तरह से हम कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेरे को फिलहाल 3 फाइल ही चाहिए, तो मैं आपको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, स्टॉप ओके। अभी देखो इसके अलावा एक और MP4 आ गया है सॉन्ग, हो सकता है MP3 आ गया है, हो सकता है पहले का सॉन्ग पड़ा हो, नेक्स्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपका MP3 भी डाटा रिकॉर्ड हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। दोस्तों देखो मेरे सॉन्ग्स आ गए।